जी लो अपने लिए और अपनों के लिए जी लो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लो न्यूज। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैज ईसा को वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा सुनने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम तरक्याती फंड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है की जस्टिस काजी फैज ईसा इंसाफ के तकाजों और गैर जांबदारी के पेश नजर वजीर आजम से मुतालिक मुकदमात न सुने। उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। उन्हें वजीर आजम से मुतालिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। 5 सफात के फैसले में मजीद कहा गया है कि आज के केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालत को भी और अटॉर्नी जनरल को बाज़ दस्तावेज़ात दी, लेकिन उन्हें खुद भी इनके दुरुस्त होने का इलम नहीं था। उन्हें ये दस्तावेज़ात व्हाट्सएप पर नामालूम ज़राए से मिली। तहरीरी फैसले के मुताबिक वजीर आजम के तरक्याती फंड से मुतालिक केस में वफाकी सूबाई हुकूमतों के जवाबात के बाद मजीद कार्रवाई की गुंजाइश नहीं रह गई, इसलिए ये मुकदमा निपटाया जाए। ख्याल रहे कि दिन के वक्त केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि मुझे कल व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी थी। क्या ये सड़क की तामीर के लिए मखसूस हल्कों को फंड दिए जा सकते हैं? क्या हल्के में सड़क के लिए फंड देना कानून के मुताबिक है? हम दुश्मन नहीं, आवाम के पैसे और आइन के मुहाफिज हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात आपकी शिकायत है, जायजा लेंगे। जस्टिस फैज ईसा ने कहा कि मुझे शिकायत कुनिंदा ना कहें, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जज साहब और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए जी लो न्यूज।